मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज के दिन में खुशी, शांति और आशीष के साथ रहते हैं? जी हाँ, परमेश्वर के जो भी विश्वास करते हैं उनके जीवन में हमेशा आनंद और खुशी बरकरार रहता है। एक वक्त आने से परमेश्वर हमें भी अपने स्वर्ग में ले जाएंगे। वहाँ आंसू नहीं, दुख नहीं, दुख और बीमारी नहीं है। इस दुनिया में दुख और तकलीफ रहने से भी खुशी, आनंद के साथ रह सकते हैं। इस प्रकार के आशीष को परमेश्वर अपने लोगों के लिए दे सकते हैं। क्या आप आश्चर्य के साथ देख रहे हैं? जी हाँ, वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय की 27 वचन में यीशु कहता है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, आई विल गिव माई पीस अनटू यू। वचन में कहता है डिवाइन पीस, ईश्वरीय शांति को परमेश्वर देता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी ही शांति को तुम्हें दिए जाता हूँ। तो परमेश्वर का शांति हमारा मन में आने से बाहरी जो कुछ भी बातें होती है हमारा मन में कुछ तकलीफ को नहीं दे सकता है। शारीरिक तरफ से हमारी दुर्बलता हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को जो भी ग्रहण करते हैं उनका दिल में ईश्वरीय शांति को प्रभु हमें देता है। यीशु मसीह का नाम है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह जिस किस्म दिल में आते हैं उनके दिल में ईश्वरीय शांति को वो देते हैं। इसलिए कहता है, मैं अपनी ही शांति को तुम्हें देता हूँ। मैं एक सेवक को जानता हूँ। उस सेवक की मेम साहब, उनकी पत्नी इतनी बीमार गंभीर रूप से हो गई है। अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, उनके लिए इतनी दवाइयां चल रही थी ताकि उनका शरीर में कई एक बीमार है। इसलिए वो इतनी परेशान है। डॉक्टर ने कह चुके, आपका पत्नी को जो बचाना नामुमकिन है, आप इन्हें घर ले जाइए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, आप, मैंने देखा आपका पत्नी इतना बीमार है, इतना कमज़ोर, लेकिन सबसे खुशी के साथ, आनंद के साथ और बात करती है। उनके चेहरा में देखने में लगता है कई बीमारी नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता? हमारे अनुभव में ऐसे किसी को हमने देखा ही नहीं। तब इस व्यक्ति ने कहा, हम जो है प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु हमारा दिल में रहने से उनकी शांति हमारा दिल में है। इसलिए बाहरी उपस्थिति कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, या मरने की परिस्थिति में भी आने से भी हमारा प्रभु यीशु ने हमें शांति दिया है। उस शांति दिल में रहने के चलते हमारा दिल में कोई भी परेशानी नहीं है। हमेशा उस ईश्वरीय शांति में हम रहते करके गवाही दी। क्या आपका जीवन में इस प्रकार की शांति है? यीशु दिल में रहता? जी हाँ, सचमुच में आनंद देते हैं। मैं अपने सेवा के अनुभव से कहता हूँ, हमारा जीवन में सेवा में देखिए कितना निंदा, अपमान, गलत अफवाहें, मेरा विरोध, हमारा विरोध फैलाते रहते हैं। उसके बीच में इतनी शांति, इतनी खुशी के साथ रहते हैं। रात में चैन की नींद सोते हैं, कभी जो है दुख नहीं होती है। ये कैसे संभव है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई शांति दिल में है, इसलिए संभव है। क्या इस प्रकार की शांति आपका दिल में रहता है? यीशु कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं अपनी ही शांति को तुम्हें देता हूँ। क्या अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किए? यीशु को दिल में आप बुलाइएगा। आप बुलाने से प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को आपके दिल में दे सकते हैं। जी हाँ, सचमुच में यीशु के लिए दिल में जगा दीजिए। यीशु को सचमुच में आप ग्रहण करने से आपको कहना, ये यीशु तू मेरे दिल में आना है, तेरी ही शांति मेरे दिल में चाहिए। आज अर्पण करता हूँ। आज ऐसे प्रार्थना करने से जरूर प्रभु अपने शांति को आपको दे सकता है। प्रभु, इन सब को तू अपने ही शांति से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।